आप सबका स्वागत है। आज हम 19 मई के शीर्षदान में आ पहुंचे हैं। जिसका स्टॉक भरपूर होता है वो सदा देता रहता है औरों को, लेकिन जिसका स्टॉक भरपूर नहीं होता है वो फिर मांगना शुरू करता है, और जो मांगना शुरू करता है तो वो अपने आप को छोटा समझता है। इसी तरीके से आध्यात्म में भी हम अपने संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, हम किसी न किसी तरीके से या तो हम लोगों को दे रहे होते हैं या तो फिर लोगों से हम मांग रहे होते हैं। तो देखें, आज परमात्मा पिता इस चीज के बारे में कहते क्या हैं, और यहाँ पे कहाँ ना कहाँ हमारी कोई कमजोरी छुपी होती है जिस कारण से हम दे नहीं पाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। कोई हमारे साथ में बुरा कर दे, कोई हमारे साथ में गलत कह दे, कुछ हमारे साथ में गलत फहमियां पैदा कर दे हमारे संबंधों में, चाहे हमारे धन के मार्ग रोक दे, चाहे हमारी सेहत में कुछ हमें हानि दे दे या पहुंचा दे, तो हम कहीं ना कहीं इनको शुभ भावना, शुभ कामना देखने में या देने में कतराते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉक पूरा नहीं है। सिंपल चीज है, अगर हमें परमात्मा से आध्यात्मिक प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति मिल रही है तो हमें दुनियावी प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी की जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। हम कम में ही संतुष्ट होते हैं, भरपूर होते हैं, और इस कारण से अगर कोई हमारी कोई हानि भी करने की कोशिश करता है, हमारे दिल से उसकी दुआएं निकलती है। यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि हम आए थे पवित्र, बीच में कुछ गड़बड़ करी हमने और हम अपवित्र बन गए, आपस में झगड़े वगड़े करने शुरू किए, तेरे मेरे में फंस गए, और परमात्मा हमें फिर से सिखा रहे हैं उस तेरे मेरे से निकले कैसे हम। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो। देखा जाए तो जो ब्रह्म कुमार कुमारी हैं वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, तो आपको आज मैं ये आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ब्रह्मा मतलब एडम हो गए और जगत अम्बा सरस्वती मतलब कि ईव हो गई, सिंपल टर्म्स में। तो आप भी ब्रह्मा के बच्चे हैं, देखा जाए तो सारी की सारी दुनिया ही ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब कुछ होते हैं सौतेले, कुछ होते हैं मातेले, वो बात अलग है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे, गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में सुख आए, शांति आए, प्रेम आए, खुशी आए, उनको वो शक्ति मिले। विशेषता दो और विशेषता लो। तो किसी के अंदर अगर हम बुराइयां देखते हैं तो हम उसको दुआएं तो देने की बात छोड़ दीजिए, शुभकामनाएं देने की बात छोड़ दीजिए, हम उल्टा क्या करते हैं, उनकी बुराइयों का स्टॉक अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू करते हैं। वो ऐसा करता है, और जो इंसान औरों की गलतियां और बुराइयां देखता रहता है उसका मन कभी साफ नहीं रहता, उसका परमात्मा से योग नहीं लगता है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप को ये आदत से बाहर निकालना, औरों की गलतियां गिनना, औरों की भूले गिनना, और उसे क्या गलत हुआ है और उन्हें क्या गलत किया है, चाहे व्यवहार हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे कुछ भी हो, तो जाकर के हमारा स्टॉक भरपूर होना शुरू होगा परमात्मा से। नहीं तो अभी भी हम ये जो कंप्लेनिंग कर रहे हैं, ब्लेमिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोगों से, चीजों से अभी भी इच्छाएं रखते हैं अपने आप को भरपूर करने के लिए, इस कारण तो कंप्लेन कर रहे हैं हम। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, विशेषता दो और विशेषता लो। औरों की विशेषताएं देखो, अपना स्टॉक अपना भरपूर करो विशेषताओं से, औरों को विशेषताएं दो। गुण दो और गुण लो। कैसे गुण दें, अब कोई चीज तो है नहीं वो फिजिकल जो आप दे दोगे किसी को, तो अपने एक्शन से, अपने वर्ताव से, अपने सोच से आप कर सकते हो। किसी को अगर आपको लॉयल्टी सिखानी है तो आप लॉयल्टी से सिखा सकते हो, किसी को रॉयल्टी सिखानी है अपने वर्ताव से रॉयल्टी सिखा सकते हो, किसी को ट्रस्ट सिखाना है तो आप पहले ट्रस्ट करो, तब जाकर के आपको ट्रस्ट मिलेगा। अगर आप किसी को सुखी बनाना चाहते हो तो उसको सुख में उसकी चीजें देखो, उसके लाइफ के एक्शंस में कमियां कमजोरी ना निकालो, उसके अच्छी आदतों को देखो तो आप उसको सुख दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, गुण तो 36 है, लेकिन वो सारे गुण आप दोगे कैसे, इसको सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आइएगा और वो कोर्स करिएगा, साथ देंगे तब आपको और गहराई से समझ आएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इस वरदान में परमात्मा कहते हैं, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो अपने बर्ताव से, अपने एक्शन से, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो। किसी की हो सकती है आपके प्रति भावना या आपके प्रति कामना ठीक ना हो, आपका चाहता हो कि आपका बुरा हो जाए, आप आगे प्रगति ना कर पाए, आपको रोकने की कोशिश करें, उस भावना उस कामना से आए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मानसिकता को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए, अपने मन को क्रिएटिव रखने के लिए, बाय द वे, कि आपके मन की क्रिएटिविटी खत्म ना हो जाए, आपके मन की सहन शक्ति खत्म ना हो जाए, आपके मन के अंदर की
प्रेम सुख आनंद खत्म ना हो जाए उसके लिए आपको और को बद्दुआएं नहीं, आपको और को सिर्फ दुआएं देनी, चाहे वो आपका कुछ भी छीनने के लिए लेके आए। लेकिन देखा जाए तो आपका क्या छीन रहा है, वो कुछ है ही नहीं हमारा, तो किसका छीन रहा है वो भी भूल में है। और आप भी अगर भूल में है कि ये मेरा छीन रहा है तो उसको लगता है कि वो आपसे कुछ ले लेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है, उसकी भी भूल है। क्योंकि ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, उनको सिखाएगा कि वो गलत कर रहे हैं आगे जाकर के। और अगर आपने भी बदला लेने की कोशिश करी, बद्दुआएं देकर के उसका कल्याण करने की कोशिश करी, तो फिर आप भी कर्मिक अकाउंट में फंस गए। तो परमात्मा हमें सिखा रहे कि कैसे कर्मों के बंधनों से निकलो। तो शुभ भावना, शुभकामना दो अगर आपके लिए, आपके साथ में किसी ने कुछ गलत भी किया हो, आज कल परसों नरसों 10 साल पहले 20 साल पहले, यही तरीका है अपने बॉन्डेजेस को काटने का। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता, कि आप औरों का भी भाग्य बना रहे हो। लेकिन वो दिल से आनी चाहिए दुआएं, वो दिल से आने के लिए हमें ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि हमारा है क्या, हमारा कोई ले क्या सकता है। बस आप आइए ब्रह्म कुमारीज में, इसी ज्ञान को और गहराई से समझिए। ओम शांति इसके साथ।